रामपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में आखिरकार आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को टिकट नहीं दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन चंद घंटे पहले आजम खान ने खुद नए उम्मीदवार की घोषणा की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नामांकन से कुछ ही देर पहले आजम खान की पत्नी का टिकट क्यों कटा और आजम खान ने खुद अपनी पत्नी को अलग क्यों किया। आपको बता दें, आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक समाजवादी पार्टी के सभी चेहरे चर्चा में आने से पहले ही बदल दिए गए हैं। आजमगढ़ रामपुर के टिकट बंटवारे पर भाजपा चुटकी ले रही है और कह रही है समाजवादी पार्टी तो परिवार की ही पार्टी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सपा से आजम खान ने ऐलान किया और रामपुर से आसिम रजा को चुनावी मैदान में उतारा। राजनीतिक गलियारों में चर्चे हो रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने जब आजम खान को प्रत्याशी उतारने के लिए खुली छूट दी तो आजम खान ने आखिर अपनी पत्नी को प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है अखिलेश यादव जब दिल्ली गंगाराम अस्पताल आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे तो उसी वक्त आजम खान और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो गई थी। उसी वक्त अखिलेश यादव ने आजम खान को रामपुर सीट पर अपने मन के प्रत्याशी को टिकट देने का फैसला लेने के लिए कह दिया था, लेकिन आजम खान ने अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट नहीं दिया। आजम खान ने रामपुर से अपने सबसे करीबी आसिम रजा को उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें, अब इन सबके बीच कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ही आजम खान पर दबाव बनाया। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से अपनी पत्नी डिंपल का टिकट काटा और वो चाहते थे कि सपा के निष्ठावान कार्यकर्ता और निष्ठावान नेता होने के नाते आजम खान भी इतना ही बड़ा दिल दिखाएं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने आजम खान को सलाह दी और आजम खान ने आखिरी मौके पर अपनी पत्नी का टिकट काट दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।